हे गाइस, दिस इज़ रेखा। वेलकम टू रेखाज कलाकृति। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन दिया हुआ है नीचे उसको दबा दें, जिससे आपको मेरे नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जो मैं वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। चलिए फिर मैं बताती हूँ, आज मैं पीपल लीफ को कैसे स्केल्टन निकालेंगे उसका, और उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं या उसके ऊपर कैसे पेंट करते हैं, कैसे कलर करते हैं, ये मैं बताऊंगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले मैं साफ़ पानी लेंगे और जो भी पीपल लीव्स होती हैं गिरी हुई हो या फिर आपने उनको तोड़ा हुआ हो, उनको पानी में भिगोकर 7 डेज़ के लिए छोड़ देंगे। 7 डेज़ के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। या आप देखिए, इस तरीके से आप निकालेंगे और इसको पानी से निकाल कर इसको आप ब्रश करेंगे तो इसका जितना भी ऊपर का ग्रीन पार्ट होता है बहुत स्लोली ब्रश करना है, ताकि ये टूटे नहीं। बहुत ही संभाल करके इसको ऐसे क्लियर कर लेंगे और साफ़ पानी में वॉश कर। हम एक टिश्यू पेपर लेंगे और उस पर इसको, इसके जो एक्सेस पानी है या जो पानी है उसको सुखा देंगे टिश्यू पेपर में इसको रख करके। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये स्केल्टन निकल आए हैं बहुत ही क्लियरली। और इसको इस्तेमाल, मतलब आपको जब इसे ब्रश करना है तो बहुत ही सॉफ्ट हैंड से करना है, ताकि ये टूटना नहीं चाहिए। अब हम एक्रेलिक पेंट लेंगे और इस पर पेंट कर लेंगे जिस भी कलर का हमें ये लीफ चाहिए। आप कोई भी लीफ ले सकते हैं, मैंने पीपल का लीफ लिया हुआ है, आप एनी लीफ इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रोसेस यही रहे। ये मैंने एक शादी का कार्ड का बोर्ड पड़ा हुआ था, वो बोर्ड ले लिया। उस पर हम एक वाइट पेपर स्टिक कर देंगे और उस पर हम अपने ये जो पीपल लीफ है उसके स्केलेटन को फेविकोल से स्टिक करेंगे और उस पर हम अपना कोई भी डिज़ाइन या कोई भी पिक्चर, कुछ भी जो भी मुझे पसंद है वो मैं इस पर करूँगी। ये देखिए, इस तरीके से मेरे पीपल लीफ के स्केलेटन्स निकल आए और मैंने इनको कलर भी किया हुआ है। और एक बार मैंने गणेश जी बनाया हुआ। इस तरीके से आप पीपल लीफ स्केलेटन पेंटिंग बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं।